हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द यूके शूके। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मस्त लाइफ चल रही होगी आप सबकी। बस यही दुआ करता हूँ सबके लिए। तो गाइस, आज की जो वीडियो है मैं बनाने वाला हूँ उसका टॉपिक है जो कि अटेंडेंस मैटर करती है नहीं करती है? यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस मैटर करती है नहीं करती? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि अटेंडेंस मैटर नहीं करती है, और ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं तो वो कब पड़ेगा आपके ऊपर इम्पैक्ट, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं यार कि मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो चुकी है एंड मैं कल यूनिव गया था और मैंने देखा इतने सारे बच्चे थे, इतने सारे, तो मैंने वीडियो बनाई है। मैं आपको छोटी सी एक ग्लिम्स दूंगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा लगे बच्चे, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि कितने सारे बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं स्पेशली, वो मैं आपको एक बड़ी क्लिप्स दिखाता हूँ। तो चलिए वो देखिए, फिर उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखा आप लोगों ने कितने सारे लोग थे, कितने सारे लोग थे। तो यही है कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब आने लगे हैं एंड इसी चक्कर में अब शायद गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेने वाली है, ऐसा अब सुनने में आया है। बाकी लेट्स सी क्या होता है, बस यही होप करेंगे कि सब बढ़िया हो, बेस्ट हो। बाकी मैं अब बात करता हूँ अटेंडेंस की, यार जो वीडियो है उस पर बात करते हैं, वीडियो बनाने वाला था। तो यार अटेंडेंस का सीन ये है कि अटेंडेंस मैटर करती है, ओके, एंड ये लोग ट्रैक भी करते हैं यहाँ पे अटेंडेंस। तो अब वो कैसे मैटर करती है मैं आपको बताता हूँ। जो अटेंडेंस होती है यहाँ पे आई कार्ड होता है आपका, आपको स्वैप करना होता है। आप जिस भी क्लास में जाते हैं सबसे पहले आप आई कार्ड स्वैप करेंगे, तो वो आपके रिकॉर्ड में आता रहता है, आपके स्टूडेंट रिकॉर्ड में। और वो रिकॉर्ड आप देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि आपकी कितनी अटेंडेंस है, आपका लास्ट अटेंडेंस क्या थी, आप कब गए थे यूनिवर्सिटी, वो सारी डिटेल आ जाती है आपके पोर्टल पे, जो आपका स्टूडेंट पोर्टल होता है, जो हर एक यूनिवर्सिटी का डिफरेंट डिफरेंट होता है। मेरा कैनवास है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, वो यूज़ करती है थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग। तो वो वहाँ पे सारी डिटेल आ जाती है आपकी, अटेंडेंस तो सारी पता ही लग जाएगी कि आप कितना आए हैं कितना नहीं आए। ये ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आप अगर मान लो जूम पे क्लासेस ले रहे हो तो वो जूम पे अटेंडेंस ट्रैक करते हैं कि कितने लोगों ने अटेंड किया और कौन कौन आया, तो वहाँ से भी ट्रैक होती है। बहुत लोग इसमें ये भी करते हैं कि यार आईडी स्वैप कर लेते हैं, कोई दूर रह रहा है, कहीं दूर रह रहा है तो वो स्वैप कर देते हैं किसी और का आईडी, विच इज़ रॉन्ग। बट उनको पता लग गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बट बहुत लोग करते हैं ऐसा। तो उसका ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें ना ही करें तो बेस्ट है। जितने आप यहाँ के रूल्स नहीं तोड़ेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। नेक्स्ट मैं बता दूँ आपको कि जो आपकी सीन होता है एंगेजमेंट रेट का, एंगेजमेंट रेट क्या होता है पहले तो मैं ये आपको बता दूँ। एंगेजमेंट रेट वो होता है कि अगर आपका जो पोर्टल होता है वो उस पर कितना एंगेज हो, आप कितना उस पर विजिट कर रहे हो वेबसाइट पे, उस पेज पे, उसके यूनिट्स पे, उनके असाइनमेंट्स में कितनी आप चीज़ें, आप कितनी बार जा रहे हो। तो विद द हेल्प ऑफ हीट मैप और बहुत सारी टूल्स के अकॉर्डिंग ये लोग डेटा एक कलेक्ट करते हैं एंड वो डेटा के अकॉर्डिंग वो रेट आता है। तो बहुत लोगों ने देखा होगा कि जैसे एंगेजमेंट रेट होता है वो कैसे होता है, जैसे अब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपको विजिट करना है और आपका एंगेजमेंट बढ़ता रहेगा, नहीं, आपको एंगेजमेंट रेट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, आप किसी भी चैप्टर में जाओगे, यूनिट्स में जाओगे आप पढ़ने के लिए, तो वो आपको स्क्रॉल करना होता है, वो थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड करना होता है वहाँ पर, तो आपका एंगेजमेंट धीरे धीरे बढ़ता है। चाय पी रहा था मैं, बढ़िया लगी। तो ऐसे एंगेजमेंट रेट बढ़ता है। तो अब एंगेजमेंट रेट, अब ये मैं बता दूँ कि ये काउंट भी होता है नहीं होता, जैसे अटेंडेंस मैंने बोला काउंट होती है, तो ये देखो ये सब काउंट होता है। अब आप नेक्स्ट वीज़ा जब आप डालोगे तो वो आपका एंगेजमेंट रेट चेक करेंगे, बिकॉज आप 5 days, ओके, 5 days की मैं बात करता हूँ। 5 days में आपकी अगर 3 days यूनी है, 4 days यूनी है, ठीक है, और आप 4 days यूनी, 4 day यूनी में आपका एंगेजमेंट रेट बहुत कम आ रहा है, तो वो समझ जाएंगे कि ये स्टूडेंट जो आया है यहाँ पर ये पढ़ा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये पढ़ा नहीं है, तो आपको वीज़ा, नेक्स्ट वीज़ा में इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए अपना एंगेजमेंट रेट बढ़ा के रखो जितना बढ़ा सकते हो,
जितना उसको आप विजिट करो पेजेस को, और डीप डाउन सारी चीज़ें स्क्रॉल करो और टाइम स्पेंड करो वहाँ पे, सो दैट आपका एंगेजमेंट रेट बढ़े, और एंगेजमेंट रेट बढ़ेगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये, और आपको हो सकता है कि आगे प्रॉब्लम ना हो, और हो सकता है अगर आपने नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। वो पॉइंट उठा सकते हैं ये वाला कि आपका एंगेजमेंट रेट इतना कम कैसे है, आप अगर यूनि डेली जाते थे, आप आई कार्ड स्वैप डेली करते थे, तो आप करते क्या थे? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उठ सकता है, तो इसलिए रिस्क मत लो बिल्कुल भी। अटेंडेंस और एंगेजमेंट रेट का बिल्कुल ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोगों को लगता है कि नहीं है, आप आओगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है? और नेक्स्ट वीज़ा में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं चाहते यार कि ना हो, कोई भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, बिकॉज वो सारा आपका डेटा चेक करते हैं, हिस्ट्री चेक करते हैं कि आप अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो तो आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, सारी चीज़ें ट्रैक होती हैं, तो वो सारा डेटा आ जाएगा। डेटा के अकॉर्डिंग अगर आपका एंगेजमेंट कम है, अटेंडेंस ज़्यादा है, या फिर कुछ भी ऐसा नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए रिस्क फ्री रहो बिल्कुल, ठीक है? रूल्स मत तोड़ो, सिंपल है। एंगेजमेंट रेट बढ़ाओ, वो मैंने बता दिया कैसे बढ़ाना है, ठीक है? और सेकंड, अटेंडेंस ज़रूर लगानी है, जाना है यूनिवर्सिटी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी अटेंड करो, सो दैट आपका जूम पे भी जो जो भी आप वो मीडियम यूज़ करते हैं, हमारे तो जूम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर अटेंडेंस अपने आप काउंट हो जाए। तो बस ये चीज़ बतानी थी मेरे को वीडियो में, बाकी आपने सब देख लिया कैसे यहाँ पे मैनेज हो रहा है, कैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं इस बारी सितंबर में, और अच्छी बात है। बाकी यही यार, यही चीज़ वीडियो में डिस्कस करनी थी, बाकी तो मेरे को कुछ बताना नहीं था, और कुछ ऐसा आता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।